अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्लास सहरा बुखारी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार फ्राइज़ की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर ये तैयार होंगे। फटाफट बनने वाली रेसिपी है और बारिश में तो इसका मज़ा डबल हो जाता है। बच्चों की फेवरेट के साथ, बल्कि ये बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए करते हैं रेसिपी का आगाज़। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू अपलोड आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, के हाल है, ठीक हो इंशाल्लाह? मेरे सारे भैन भाई ठीक हो सन? अल्लाह पाक के करम नाल असी भी बिल्कुल ठीक हाँ। तो अज थोड़े वास्ते बड़ी ही जबरदस्त रेसिपी लैके आया। अज असी बनसा बहुत ही मज़ेदार चिप्स, तो बहुत ही क्रिस्पी, तो एक एक चीज़ खाते सके वो नरम भी ना हो सी तो बिल्कुल क्रिस्पी हो सी। तो आओ जी रेसिपी शुरू करते हैं। दो मेरे छोटे साइज के आलू, एक थोड़ा बड़ा है, त्रै मेरे आलू न, तो इन्होंने असी इस तरीके इसका छिलका उतार लेना जी। तो आलू का छिलका उतार लिया, तो इसन असी किस तरीके नाल कटना, इस तरीके नाल ना पहले थोड़ा मोटा मोटा, इतना मोटा रखना, ठीक है? इस तरीके नाल बड़ी ही मज़ेदार चिप्स बन दी है। इतने इतने कट लो सारे बराबर, अगर थोड़े को मशीन है तो उस दे नाल कटिंग कर लो, नहीं तो हाथ दे नाल भी बड़ी ही आसानी नाल हो वेंदी ना। इस तरीके नाल मैं सारी कट लैसा जी। तो आलूओं की कटिंग कर ली, इतना इतना मोटा रखना, ज़्यादा बहुत पतले नहीं करने। तो अंदर डाल दें एक अंडा ताकि मज़ेदार बने चिप्स, इसमें थोड़ा फेंट लेना। इसके अंदर कोई मसाले डाल देने, हाफ खाने वाली चम्मच चाट मसाला, हाफ चम्मच तिखी मिर्च, चुटकी एक हल्दी, ए अगर थोड़ी मर्जी है तो डालो, ठीक है, इतना ज़रूरी भी नहीं है। हाफ चम्मच तो खुशक धनिया पीसे हुए, हाफ चम्मच नमक, ठीक है। ये बड़े बच्चे सारे बड़े ही शौक नाल खाते हैं, चाहे बड़े होन चाहे बच्चे होन, सारे शौक नाल खाते हैं। किसी लंच विच भी दे सकते हो, शाम की चाय नाल भी इंजॉय कर सकते हो बना के। इसके अंदर डाल देने आलू, इसकी कर लेने मिक्सिंग। मेरी फक्की वाली डब्बी इस दे विच ना मैं फूड कलर जरदा कलर डाले होया, तो तुसी भी इस तरह कीता करो ताकि ये डालन आसान होंदा। बस थोड़ा जहा, ये अगर थोड़ी मर्जी है तो तुसी डालो, नहीं तो फिर कर दो। अंदर डाल देने मैदा इस तरह एक चम्मच भर के, दो तीन, इसमें मिक्स कर लेने। फिर अगर ज़रूरत पई तो एक चम्मच और डाल सा। ये मेरा बच गया, अद्धी चम्मच भी डाल देना जी। इस दे नाल क्रिस्पी बन दे, बहुत मज़े दे बन दे इंशाल्लाह जी। तो पांच टोटल चमचा, एक चम्मच और मैदे की डाली, पांच टोटल चमचा गई। तो इधर मेरा आयल गर्म हो गया, इसके अंदर डाल देने जी। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी देर बाद थोड़ा जहा ना इसको हिलाना है ताकि ये अलग अलग हो गए। माशाल्लाह सही क्रिस्पी लग रहा है, मज़ेदार। तो आधा मिनट इसको पकन देना, उस तो बाद इसको ना थोड़ा ना इस तरीके नाल हिलाना, ठीक है? फिर इसकी जी आँच है ना थोड़ी एक मिनट ये पक लवे, तो फिर उस तो बाद इसकी आँच जी दरम्यानी कर देनी ताकि आलू भी पक लाने। तो कहने इसको पकते हो, माशाल्लाह बहुत मज़े की बन के तैयार हो गई है चिप्स साड़ी। तो कलर माशाल्लाह इसका कितना प्यारा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार चिप्स बन के तैयार हो गई, बहुत मज़े की माशाल्लाह तैयार हुई है।
सही क्रिस्पी बनी है। तो इस कैचअप नाल या हरी चटनी के नाल जिस दे नाल भी तुसी पसंद करते हो, यकीन करो मैं भी शाम की चाय दे नाल ही बनाई है, तो तुसी भी चाय दे नाल बनाओ, बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह तुसी एंजॉय कर सो, बहुत थानू मज़े की लगसी। बच्चन लंच विच दे हो या मेहमान हो तो तुसी बनाओ, तो बहुत ही मज़ेदार है। लाइक शेयर जरूर किया करो, चैनल पर न्यू हो तो सबसक्राइब कर लो। तो इस दे नाल मैं चाहनी हूँ इजाजत, अपनी दुआवां याद रख्या है, तो फिर मिलसा किसी मज़ेदार रेसिपी के नाल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू अपलोड आप तक आसानी पहुंच सके। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।